अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप गिनास किचन की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार और दुआएं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं कीमा लोबिया। कीमा बनाएंगे लोबिया के साथ। इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमने बीफ का कीमा लिया है, मोटा हाथ का कुटा हुआ, थोड़ा उसमें फैट भी हमने कुटवाया है। 300 ग्राम ये कीमा है। एक कप मैंने लोबिया लिया, इनको आधे घंटे मैंने भिगो दिया। उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करते हुए कुछ भी नहीं डाला, इतना बॉयल करना है देखें कि ये आसानी से टूट रहे हैं। उसके बाद हमने बॉयल करने के बाद इसको स्ट्रेनर में डाला, ऊपर से साफ पानी डाला ताकि जो भी झाग वगैरह हैं वो निकल जाए। ये हमने एक कप लिया है, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ कुछ मसाले हैं जिसमें नमक हसबे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, कुछ साबुत गरम मसाला है जिसमें दालचीनी की स्टिक है 2 से 3, 8-10 काली मिर्चें हैं और 4-5 लौंगे हैं, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 1 मीडियम साइज की प्याज, इसको हमने फाइनली बारीक चॉप कर लिया जैसे हम आमलेट वगैरह के लिए करते हैं, और ऑयल लिया है हमने 1/2 कप। सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ हमेशा की तरह, जैसे हमेशा मैं सरसों के तेल में पकाती हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर फाइनली चॉप अनियन डालेंगे। अनियन को हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें कलर नहीं देना है। बहुत ही मज़ेदार बनता है क्योंकि बहुत हेल्दी होते हैं ये लोबिया, वाइट लोबिया, और ये बहुत मज़े का लगता है कीमे में। देखिए अनियन हल्की सी सौते हो गई है 2-3 मिनट। अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। शुरू में हमने इसलिए नहीं डाला तो वो जल जाता है बहुत ज़्यादा, फिर इसकी कड़वाहट आ जाती है। थोड़ा सा हम इसको और सौते करेंगे। अब हम इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो बारीक कीमा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ हड्डी वाला ले रही हूँ, थोड़ा फैटी कीमा है, मैंने इसके साथ फैट भी लिया है, मज़े का लगता है बहुत। आप चाहें तो रूखा भी ले सकते हैं। चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सब चीजों को फ्राई करेंगे हम। मैंने लोबिया बॉईल करते वक्त सोडा या नमक कुछ भी नहीं डाला था, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। बस मैंने इसको आधे घंटे के लिए पानी में सोख किया जिस तरह हम छोले वगैरह भिगोते हैं, और फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया। बहुत जल्दी गल जाते हैं ये, इसलिए इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि कीमे की स्मेल निकल जाए। अब इसमें हम अपने सारे ड्राई मसाले डाल देंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी और धनिया है। सबको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी ताकि जले नहीं मसाला हमारा, साथ में ये हमारे टमाटर भी चले गए। बहुत ही जल्दी बन जाएगा। सब चीज़ें एक साथ डाली, भुनाई करी और गलने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से भुन गए हैं। थोड़ा सा हम इसको, जब गल जाएगा जब भी भुनाई करेंगे इसकी लोबिया के साथ, बस अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करके और इसको बिल्कुल हल्की दम वाली आँच पर छोड़ दूँगी ताकि हमारा ये कीमा गल जाए, टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से गल जाएं। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगाती हूँ। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर लें और मिर्चें भी, अगर आपको ज़्यादा मिर्चें चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर लेड लगाती हूँ ताकि ये पक जाए और फिर इसका हम आगे का काम करेंगे। तो चलिए कीमे को चेक करते हैं। देखिए तकरीबन इसका पानी 90% खुश्क हो गया है। अब मैं इसकी आंच को तेज करूंगी ताकि हम इसको भूनें। टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं,
ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर लोबिया अपने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। इस स्टेज पे नमक चेक कर लें और मिर्चें अगर आपको एक्स्ट्रा डालनी है। अब हम इसको अच्छी तरह से खूब भूनेंगे ताकि लोबिया के अंदर भी जो मसाला है, नमक, मिर्च, वो सब मिक्स हो जाए। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। ये हमारा गरम मसाला चला गया, बहुत अच्छी तरह से देखें ये भून चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको 7-8 मिनट रखूंगी ताकि लोबिया में हमारे सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। और फिर हम इसको हरा धनिया डालेंगे, गार्निश करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। देखें अब मैं इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून जितना बस पानी डालूंगी और इसको दम वाली आंच पे हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये रेडी है, हम इसको डिश आउट करेंगे। गरम गरम चपाती और नान के साथ इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार था। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ हल्का चूल्हा करके। तो चलिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए सालन हमारा रेडी है। अब मैं यहाँ पर इसमें 1 अदद हरी मिर्च मैंने ऐड करी है, इसको हम मिक्स करेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा लोबिया कीमा रेडी है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार बनता है ये। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल करूंगी। ये चला गया हरा धनिया। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।